तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम आए हैं हमारे दोस्त के साथ जिन्होंने ली है राइडर 125। तो ये बताएंगे अपना रिव्यू, इनको मतलब कैसा लगा, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या फीचर, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताएंगे और देखेंगे क्या क्या है इस बाइक में। तो आइए बात करते हैं बाइक के बारे में। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और इस बार हम कर रहे हैं बिल्कुल अलग। तो फाइनली जिस चीज़ का वेट था मुझे ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से कि मुझे बाइक लेनी है, और बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बजट की प्रॉब्लम थी, कभी प्लान हो रहा था कभी प्लान नहीं हो रहा था। बट फाइनली दिस दिवाली मैंने प्लान किया था कि बाइक लेनी है, वो भी थोड़ा सा डिले हुआ है। एंड फाइनली 4th of November को द TVS रेडर इज हेयर 125cc में ब्लैक कलर। सबसे बढ़िया लगती है बात इसकी कि ब्लैक कलर एक अपने आप में प्रीमियम लुक देता है, और प्रीमियम लुक के साथ जितने भी इसमें ओवरलोडेड फीचर्स दिए हुए हैं वो आज तक किसी भी कंपनी ने और किसी भी ब्रांड ने 125cc के सेगमेंट में इतने फीचर्स नहीं दिए हैं। सो दैट्स व्हाई दिस बाइक इज़ यू कैन से ऑलमोस्ट पीपल्स चॉइस, और इसीलिए इस बाइक पर इतनी वेटिंग है। ऑलमोस्ट मुझे भी 1.5 महीने की बुकिंग करवाने के बाद में जाके ये बाइक मिली है। बट फाइनली नाउ आई हैव दिस बाइक एंड TVS रेडर इज़ माइन, फाइनली द ड्रीम कम्स ट्रू। सो फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और टायर साइज़ वगैरह की डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो लंबी हो और बोरिंग हो लाइक ऑल अदर वीडियो। सो शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताएंगे, बेसिक फीचर्स जो अभी तक के 150 किलोमीटर चली है, कितनी माइलेज दी है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, जनरली अंदर से जो है क्या चीज़ें बाइक को अच्छी बना रही है, कौन से गियर्स पे आपको वाइब्रेशन फील होती है, कौन से गियर्स पे आपको वाइब्रेशन नहीं फील हो रही है, गियर चेंजिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से पार्ट्स है जो थोड़ा सा अगर TVS इम्प्रूव कर देती तो शायद ये बाइक और अच्छी हो सकती थी। तो शुरू करेंगे इन्हीं के साथ, इसी के सबसे पहले मीटर कंसोल से। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये भाई साहब कलर देख रहे हो, अलग ही मतलब दिए हुए हैं, बहुत अच्छी लग रही है। बाकी धूप में भी आप देख सकते हो सनलाइट है, पर फिर भी अच्छा विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे मोड्स भी मीटर कंसोल में आपको मिल जाते हैं TVS रेडर 125 की। जैसे फर्स्ट ट्रिप ए का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे 141.4 किलोमीटर बाइक अभी तक चल चुकी है। ट्रिप बी में अगर मैं जाऊँ तो आपको ये मोस्टली दिखा देता है, सेम रीडिंग्स दिखाता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इसका, अभी न्यूट्रल पे है गाड़ी और आपको स्पीड दिखा रहा है, और टाइम देखिए 2:50 हुए हैं और 2:50 इसमें टाइम दिखा रहा है। इसमें दो तरीके के मोड्स भी आपको मिल जाते हैं, वन इज़ इको मोड एंड वन इज़ पावर मोड। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा, जो इसके रेसिंग के जस्ट साथ में दिया हुआ है हैंडल पे, अगर मैं इसको पावर मोड पे कर दूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली इसमें पावर मोड आ गया है। पहले यहाँ पे इको मोड दिखा रहा था, नाउ ऑरेंज कलर में आपको पावर मोड दिखा रहा है। अगर बात करूँ फिर मोड पे ही, अगर मैं वापस जाता हूँ तो आप देखिए अब इसकी रेंज दिखा रहा है, अभी मेरी बाइक में फ्यूल जितना है उसके अकॉर्डिंगली कितने किलोमीटर चल सकती है, 116 किलोमीटर और चल सकती है। तो ये इसका सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा कि अगर आपके पास कभी आइडिया नहीं होता कि कितना फ्यूल बचे कितना नहीं है, आपको जस्ट एक बार मोड पे प्रेस करना है, थर्ड मोड पे आना है और आपको पता चल जाएगा कितने किलोमीटर और चल सकती है। और एवरेज की देखो, बहुत लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी जानने की कि एवरेज कितनी देती है बाइक, या रेडर 125 ले लें एवरेज के चक्कर में हम कम्यूटर बाइक SP 125 पे चले जाते हैं। बट मैं कहता हूँ कि अभी जो टाइम हुआ है बाइक को वो ऑलमोस्ट 10 दिन ही हुए हैं बाइक को लिए हुए, तो अभी एवरेज जज ना करें। 49.49 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज अभी भी दिखा रहा है, माइलेज अभी भी दिखा रहा है, और जैसे जैसे फर्स्ट इसकी सर्विस होगी तो बाइक ऑलमोस्ट 55 की एवरेज देगी, जो एक कंसोलिडेटेड एवरेज होती है किसी भी कम्यूटर बाइक की 125 सेगमेंट में।
कंपेरेटिव टू SP 125 जो लोगों का रिव्यू था वो 60-65 की भी देती है एवरेज, बट इस सेगमेंट में अगर आपको 50 की भी एवरेज मिल रही है तो दैट इज़ मोर देन गुड समथिंग यू आर गेटिंग इन दिस प्राइस। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हेडलाइट से, आप देख सकते हैं यहाँ पे DRL दिया हुआ है, नीचे आपके हेडलाइट पे ये भी LED में दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है इनका देखने में, काफ़ी अच्छा काम किया TVS ने। बाकी इंडिकेटर आपको हेलोजन में देखने को मिल जाएंगे, टेल लाइट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी बनाई गई है, मतलब TVS ने काफ़ी अच्छा काम किया है 125 के सेगमेंट में, बहुत ही बढ़िया बनाई है। और यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर हेलोजन में देखने को मिल जाते हैं। एक प्यारी सी लाइट और इसमें दी हुई है जो यूजुअली किसी ने भी रिव्यू में दिखाई नहीं है, जैसे ही आप बाइक को ऑन करते हो, मतलब आपको स्टार्ट नहीं करना है, जैसे ही आप चाबी लगा के बाइक को ऑन करते हो तभी ये लाइट जल जाती है, जलाएगा आप कहीं भी पार्क कर रहे हैं तो पीछे का नहीं दिखता आपको कि ऑन है या नहीं है, बट ये यहाँ पे शो कर रहा है, देखो हीट भी काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके टैंक के बारे में, फ्यूल टैंक की आपको कैपेसिटी मिल जाती है 10 लीटर की, एंड टैंक भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेडर का लोगो मिल जाता है, एंड टैंक के इस साइड में आपको ये TVS का बैज मिल जाता है देखने को, जो कि हॉर्स बना हुआ है। स्लीपर क्लचेस में आपको मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप सीट, देख सकते हो आप भाई साहब काफ़ी कुशनिंग, एकदम कंफर्टेबल सीट्स हैं। लेंथ सीट भी आप देख सकते हो ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो मतलब अगर आप बैठना चाहो, आप किसी लेडीज़ को लेकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इस पर राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। दोस्तों बात करते हैं इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 11.2 BHP का पावर मिल जाता है, जो कि 124.8 CC का इंजन लगा हुआ है, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, 3 वाल्व के साथ आता है, एंड इसमें आपको 11.2 BHP की पावर मिल जाती है 7500 RPM पर, एंड 11.2 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है 6000 RPM पर। और सबसे बड़ी बात बाइक में ये है कि 0 to 60 km/h की स्पीड पकड़ लेती है 5.9 सेकंड में। तो दोस्तों इसमें आपको 17 इंच का 80x100 टायर मिल जाता है, जो कि ये खुद TVS का ही है टायर इसमें, और इसमें आपको सिर्फ फ्रंट में सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और बात करते हैं इसके रियर व्हील की, तो इसमें आपको 100x90 के 17 इंच के टायर मिल जाते हैं, बट इसमें TVS ने एक काम अच्छा नहीं किया, इसमें को भी एक डिस्क ब्रेक देना चाहिए था, बट ड्रम ब्रेक दिया है, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बाकी ओवरऑल लुक्स की बात करें भाई साहब, क्या ही लुक बना दिया है, 125 के सेगमेंट में इतनी अच्छी बाइक बनाना मुझे लगता है किसी कंपनी के बस की बात होगी, लेकिन फिर भी TVS ने बहुत अच्छा काम किया है, और लुक के मामले में और स्पोर्टी, मतलब स्पोर्टी लुक मिलता है आपको इसमें। तो दोस्तों ये बात कर लिया हम इसके फीचर के बारे में, अब इनके ऑनर से ये पूछेंगे इनको क्या क्या अच्छी बातें लगी और क्या क्या मतलब इसमें नेगेटिव्स लगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको नेगेटिव्स की बात करूं, तो सबसे पहले बाइक के आगे से ही चलते हैं, जब ये बाइक नॉर्मल चल रही है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर ये किसी भी पानी के एरिया में जाती है या आप कभी इसको बारिश में ट्रेवल करोगे, तो जो ये आगे मड गार्ड इसका दिया हुआ है, इसके टायर के आगे देखिए कुछ भी कवरिंग नहीं है, तो पानी सीधा आपके पैरों पे आएगा, और वो भी आपको कहीं से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो सीधा पानी आपके पैरों पे आएगा, तो बारिश के मौसम में जब भी आप चलाओगे तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके कपड़ों को गंदा करेगी। दूसरी अगर इसकी बात करें, अगर ये जो लाइट्स दी हुई हैं इन्होंने DRL के अलावा, अगर ये भी LED में दे देते तो बहुत प्यारी लगती बाइक और एक सेक्सी लुक आता बाइक का। अब बात कर लेते हैं इसकी, मैं थोड़ा सा आपको बैठ के दिखाता हूँ, अगर इस पे राइडिंग पोस्चर की बात करें तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, और पोस्चर देखिए बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर आता है, तो 6 फीट के लोग अगर सोच रहे हैं इस बाइक को लेने का तो वो बेफिक्र होकर इस बाइक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा राइडिंग पोस्चर आता है, देखिए आप खुद फील करेंगे, और अगर आपके पीछे पिलियन भी बैठा है तो पिलियन के बैठने के लिए जो ये सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, और सीट देखिए कितनी ब्रॉड दी हुई है, तो ये इसका बेस्ट पॉइंट है, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। इस बाइक का नेगेटिव पॉइंट ये हो गया है कि जो यहाँ पे थोड़ा सा पोस्चर इसमें दिया हुआ है, ये जो फील दिया हुआ है ये अच्छा फील है, जैसे आप बाइक वगैरह रखते हैं, लेकिन अगर ये क्रोम में दे देते या फिर किसी और मटेरियल में दे देते तो जो इसकी रफनेस है वो और अच्छी आ जाती, तो एक नेगेटिव फीचर मुझे इसका ये लगा। एक और नेगेटिव फीचर है कि इसमें किल स्विच नहीं है, इसमें ऑटो स्टार्ट और ऑटो ऑफ का ऑप्शन है बट किल स्विच नहीं दी है, यहाँ पे स्पेस था, अगर चाहती तो कंपनी दे सकती थी। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी की इसकी हैंडल में भी प्रॉब्लम है, देखिए फिनिशिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये थोड़ी सी और फिनिशिंग दे देते हैं, एंड टू स्मूथ फिनिशिंग अगर दे देते तो शायद इस बाइक का जो लुक होता है, एस्थेटिक्स जो होते हैं वो अलग ही निकल के आते, तो आप देख सकते हैं। बाकी हैंडल इतना ब्रॉड नहीं है जितना बाकी स्पोर्ट्स रेसिंग बाइक में होता है, लेकिन दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अ गुड राइडिंग पोस्चर। और बाइक के में 2 मोड दिए हैं कंपनी ने, एक पावर मोड है और इको मोड है, अगर आप स्पीड अप चलाना चाहते हैं बाइक को तो आप पावर मोड में जा सकते हैं, अगर आपको नॉर्मली चलानी है आप इको मोड का यूज़ कर सकते हैं।
हॉर्न में मेरे को थोड़ी सी कमी लगी, अगर थोड़ा और लाउड हो जाता हॉर्न तो डेट मस्ट बी अ गुड थिंग इन TVS रेडर 125। ओवरऑल अगर मैं अपार्ट फ्रॉम राइडिंग फीचर्स और अलग फीचर्स के बारे में बात करूं तो अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूं तो देखिए ये पूरा फाइबर का दिया है, लेकिन ये तो चलो आजकल सभी का होता है। ये देखिए बाइक दब रही है यहाँ से, तो डैट शोज़ कि अगर थोड़ा सा प्राइस एक्सपेंसिव करके अगर इस क्वालिटी पे काम कर लिया ज़्यादा TVS की तरफ से तो डैट मस्ट बी अ वेरी गुड बाइक इन 125 सेगमेंट। क्रॉस कटिंग की है मतलब इस बाइक में, यहाँ पे भी मेटल नहीं है, यू कैन सी ये प्लास्टिक दिया हुआ है, तो ये कभी भी टूटना, अगर आपका बाइक का कभी भी एक्सीडेंट होता है तो ये टूटेगा, ये टूटेगा और ये आपको पूरा कॉस्ट कंपनी आपके इंटीरियर से इससे निकाल लेगी। फ्यूचर में आप चाहें तो इसको मॉडिफाई करवा के अगर इसमें क्रोम लगवा सकते हैं आप तो बाइक का एक अलग लुक निकल आएगा। अगर इस पोर्शन को देखें आप तो इतना रफ बनाया है TVS रेडर 125 को कि अगर ये कहीं भी हल्की सी भी टच होती है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। जो मुझे अच्छा लगा SP125 में उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे अच्छी दी हुई है, बस यही चीज़ है जो TVS रेडर और 125 को डिफरेंट बनाती है। SP125 में बॉडी आप कह सकते हो थोड़ी अच्छी दे दी है, रेडर 125 में थोड़ी कोस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे नीचे फाइबर का काम दे दिया है जो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वो थोड़ा कम रहता और अगर आप आयरन या मेटल थोड़ा ज़्यादा देते तो बाइक की जो बट वो होता है ना उससे वेट बढ़ जाता है उस बाइक का। हाँ, ये प्लस पॉइंट आप कह सकते हो कि जैसे SP125 में टायर छोटा दे दिया है पीछे तो वो उसका नेगेटिव फीडबैक, इसमें टायर ब्रॉड है। दूसरी चीज़ जो इसमें पॉजिटिव है वो है आपका राइडिंग पोस्चर, आपका फील जो बाइक पे बैठ के आता है। तीसरे चौथे गियर पे जैसी बाइक जाती है वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फोर्थ गियर और फिफ्थ गियर पे बाइक ऐसे एकदम मक्खन की तरह चलती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैक लाइट्स की, बैक लाइट बहुत अच्छी दी हुई है, सेफ्टी है बाइक की, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी में। अगर मैं इसके एग्जॉस्ट नॉब की बात करूँ तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा एक एग्जॉस्ट नॉब दिया हुआ है। और आप कभी भी अगर इस बाइक को लेते हैं या स्टार्ट करते हैं तो एक इसमें मैं आपको फिर से बंद करके चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो इस पर लाइट आएगी ये पूरा आने दें और फिर पूरा वापस जाने दें। इसमें दो मोड्स और दिखाए हुए हैं, जैसे आपने हेलमेट पहनना ही पहनना है तो उसका ऑप्शन दिखाता है, जब तक ये स्टैंड पर लगी हुई है बाइक तो ये आपको बाइक का स्टैंड का साइन दिखाता रहेगा, सेफ्टी फीचर में आता है, दैट इज अ सेफ्टी फीचर। अगर मैं आपको एग्जॉस्ट नॉब सुना रहा था, एग्जॉस्ट नॉब सुनिए आप इसका, बहुत ही प्यारा एक एग्जॉस्ट नॉब दिया हुआ है। अकॉर्डिंग इतना प्यारा एग्जॉस्ट नोट दिया हुआ है तो आई गेस ये कंपैरिजन करता है TVS की 160 सेगमेंट में जो अपाची RTR आ रही है उसकी पूरी बराबरी कर रहा है। ओवरऑल अगर इस बाइक की मैं वैल्यू एडिशन करूँ तो TVS ने इसको स्टार्ट किया था 90,000 से, बट पहले 1,03,000 में ऑन रोड मिल जाती थी, उसके बाद में 1,07,000 में मिलने लगी, तो कोर्स बढ़ाते बढ़ाते जब मैंने ये लिए तो मुझे 1,13,000 की ये पूरी पड़ी है। तो इस बजट में ऑलमोस्ट यू कैन से कह सकते हो कि दोनों ही फील मुझे मिल रहे हैं, इसमें स्पोर्टी लुक भी मिल रहा है, कम्यूटर बाइक भी है, तो ओवरऑल मिला के दिस इज़ द बेस्ट बाइक इन 125 सेगमेंट। तो अगर आप अभी भी मन बना रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसका एक अप मॉडल और आ गया है जो ऑलमोस्ट 1,22,000-21,000 के आसपास मिलता है, बट मेरे को लगता है कि कंपनी को उसमें कॉस्ट कटिंग करके इसी सेम प्राइस में अपडेटेड वर्जन को देना चाहिए, तो ये बाइक मोस्ट सेलिंग बाइक काउंट होने लग जाएगी बहुत जल्दी। इतनी ही पड़ी आपको ये बाइक? तो ये बाइक का जो टोटल ऑन रोड प्राइस पड़ा मुझे 1,13,000 रुपये का पड़ा, जो स्टार्टिंग में जब ये बाइक मुझे मिल रही थी तो 1,03,000 रुपये की मिल रही थी। TVS ने इसकी आप कह दो कि या तो सेल को देख के या फिर डिमांड को देखते हुए प्राइस बढ़ा दिया और आज TVS प्रॉफिट कमा रही है। क्वालिटी फीचर सब कुछ सेम रखे हैं, कोई चेंज नहीं है, 2022 का लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल है ये। अब इसमें जो एक विग्ड ऑप्शन और आया है, विग्ड कुछ नहीं है उसमें, थोड़े से फीचर्स एडवांस कर दिए हैं, मीटर कंसोल थोड़ा सा चेंज किया, बाकी बाइक कंप्लीट सेम की सेम है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10,000 रुपये और तो आप विग्ड वर्जन भी इसका ले सकते हैं, बट मुझे पर्सनली विग्ड वर्जन में और इस वर्जन में कोई फ़र्क नहीं लगा। तो दोनों ही बाइक आप ले सकते हैं, दोनों ही बाइकों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है और दमदार तो बाइक भाई है ही है। और अब तो मैंने ले ली है तो देखो भाई मैं कोई बुरा कमेंट तो करूंगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा लेनी है तो लो, आप ऐसा बिल्कुल सही बात, कैश में ली है। तो ओवरऑल लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं लुक तो मुझे
भाई साहब देख के प्यारा लग रहा था देखने में, ऐसा मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ी है टीवीएस ने स्पोर्टी लुक देने में। 125 है बट लुक पूरा आपको अच्छा रहेगा स्पोर्ट का, और फील भी आपको अच्छा आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पता लग गया होगा इसे क्या 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 फीचर हैं, क्या क्या कौन से प्रॉन्स हैं, तो उस हिसाब से आप बाइक को चूज़ कर सकते हो। बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बहुत ही बढ़िया है। बाकी ये था हमारा वॉक अराउंड रिव्यू और ऑनर रिव्यू, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए की वॉचिंग, गाइड ट्रेंड एंड ड्राइव सेफ।